हाँ, आज बच्चों हम लोग क्लास 11th में आगे के क्रम में लाइकेन पढ़ा जा रहा था। तो लाइकेन की प्रकृति एवं वास स्थान, हैबिट एंड हैबिटाट ऑफ लाइकेन। तो लाइकेन बताया गया था कि एक सिम्बायोसिस सहजीवन के रूप में कवक और शैवाल से मिलकर बना होता है, एल्गी और फंजाई से मिलकर बना होता है। उस तरह की पादप संरचना लाइकेन कहलाती है। ये हैबिटाट, इसका वास स्थान क्या है, और नेचर इसकी प्रकृति, हैबिटाट, हैबिट एंड हैबिटाट, लाइकेन की प्रकृति और वास स्थान कहाँ कैसे पाए जाते हैं, यही पढ़ा जाए। जैसे लाइकेन वास्तव में बहुवर्षीय पेरिनियल होते हैं। तो पौधे जानते हैं कि एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय होते हैं। तो ऐसे पौधे जो अपना जीवन चक्र एक ही वर्ष में पूरा कर लेते हैं, एक वर्षीय, और जो 2 वर्ष में द्विवर्षी, लेकिन जो 2 से अधिक वर्षों तक जीवित रहते हैं उनको बहुवर्षी। तो लाइकेन क्या है? बहुवर्षी पेरिनियल प्लांट है, और ये स्लो ग्रोथ प्लांट, ये ऐसा पौधा है जिसमें धीमी गति से वृद्धि होती है। वृद्धि किस गति से? स्लो, वेरी स्लो, मंद गति से धीरे धीरे वृद्धि होती है। और ये ह्यूमिड नम एटमोस्फियर, ह्यूमिड नम वातावरण में उगता है, ह्यूमिड। और कहाँ कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन ट्री बार्क, पेड़ों की छालों पर। ट्री बार्क जो पेड़ होते हैं उनकी बार्क जो सेलवाल निर्जीव हो जाती है, बाहरी भाग, वही ट्री बार्क पेड़ों की छालों पर, लीफ पत्तियों पर पाए जाते हैं, वॉल्स ऑफ होम घरों की दीवारों पर, और बैरेड रॉक नग्न चट्टानों, चट्टानों और नग्न चट्टानों पर ये उगते हैं। इसी के साथ खाली मृदा पर भी उगते हैं, वैकेंट जो सॉइल होती है। अब लाइकेन की कुल 400 जीनस वंश हैं। वंश कितने हैं? 400 जीनस हैं, और 1550, 1550 इसकी जातियां हैं। वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे विश्व व्यापी है, विश्व में पाया जाता है। और इसके कुल 400 वंश और 1550 जातियां हैं। स्पीसीज माने जाति। स्पीसीज शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉनरे ने किया था, और वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? स्पीसीज जाति है। वही कितनी स्पीसीज हैं? 1550 जातियां हैं। अब इसमें हैबिटाट के आधार पर लाइकेन को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला भाग है सेक्सिकोल्स। सेक्सिकोल्स ये ऐसे लाइकेन्स होते हैं जो रॉक्स, पत्थरों पर उगते हैं। ग्रो, लाइकेन ग्रो ऑन रॉक्स, ऐसे लाइकेन जो पत्थरों पर उगते हैं, पहाड़ों पर उगते हैं, चट्टानों पर उगते हैं, उन लाइकेन को एक समूह में रखा गया है, सेक्सिकोल्स। इसको क्या कहते हैं? सेक्सिकोल्स लाइकेन कहते हैं। और दूसरा है टेरिकोल्स। टेरिकोल्स ऐसे लाइकेन्स होते हैं, लाइकेन्स ग्रो ऑन सॉयल, जो लाइकेन मृदा भूमि पर उगते हैं, उन लाइकेन को जिस समूह में रखा गया है उस समूह को टेरिकोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टेरिकोल्स। और तीसरा है कार्टिकोल्स। कार्टिकोल्स ये विशेष तरह के लाइकेन होते हैं, जो लाइकेन ग्रो ऑन प्लांट बार्क, जो पौधे की बार्क छालों पर उगते हैं, बार्क लकड़ी के लट्ठों पर उगते हैं। इस तरह से हैबिटाट के आधार पर लाइकेन को कुल कितने भागों में बांटा गया है? ये कुल मिलाकर इसको 3 भागों में बांटा गया है। तो बच्चों कल हम लोग थैलस की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ थैली पढ़ेंगे। इसमें आपको बता दें कि समावयवी होमोमेरस लाइकेन शैवाल कोशिकाएं होती हैं। इसमें शैवाल कोशिकाएं पाई जाती हैं, और क्या पाया जाता है? कवक कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो इसके कई भाग होते हैं, अपर सरफेस, लोअर सरफेस, मेडुला पाया जाता है, और एल्गल जोन पाया जाता है। तो इसके बारे में हम लोग कल अध्ययन करेंगे। थैंक यू।